क्या करना है? शादी के लिए मान गए हो कि नहीं? हाँ भाई, देखना अगर इसने तेरे साथ रिश्ता करना है तो इसे मुकाबला लड़ना होगा। मुकाबला? कैसा मुकाबला? और देख, कल मुकाबले के वक्त ना तो फारस के सामने वो भैंस रखनी है जो दूध देती ही नहीं। और जो भैंस दूध देती ही नहीं तो फारस जीत कैसे सकता है? हैं? मेरे बाल कैसे लगते हैं तुझे? हाँ, बहुत अच्छे हैं। और मेरी आंखें? वो भी बहुत अच्छी। ले, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी थी ना, बात आगे बढ़ चुकी है। कोई शेर वेर पढ़ मेरे लिए। इसे बोल के मेरी झील जैसी आंखों में तेरा डूबने का मन करता है। What? क्या? अब मेरी तारीफ कैसे करनी ये भी नहीं बताऊं तुझे? हद है। चल, प्रपोज कर मुझे। प्रपोज करूं? लेकिन हमारी शादी तो फिक्स हो गई है। ओए, चुपचाप प्रपोज कर मुझे। मैंने इनकार कर दिया ना तो किसी का बाप भी ये शादी नहीं करा सकता मुझसे। हाँ, ये ले। Alright. Here, will you please marry me? ये क्या है? प्रपोज किया तुमने? ये प्रपोज किया है? प्रपोज करने से पहले मुझे लंबी सी तकरीर होती है, वो कौन करेगा? हीर, हीर। सुन, तकरीर रेडी कर ले। हाँ, उसके बगैर शादी नहीं करूंगी मैं तुझसे। तकरीर? सारे मामलात को तय पा चुके हैं ना, अब मेरा यहाँ रुकने का फायदा? मेरा काम खत्म हो गया। रिदा, तुम्हें जो कह रही हूँ ना तुम वो करो, टिकट्स करवाओ मेरे। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मेरी टिकट्स करवा दो, बस मैं वापस आना चाहती हूँ। सुनो, मुझे पीएनआर नंबर टेक्स्ट कर देना। ओके, बाय। कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जाऊंगी मैम, घर जा रही हूँ। घर जा रही हूँ क्यों? क्यों क्या मतलब है? मैं एक हफ्ते या मजीद तो नहीं रुक सकती ना। क्यों नहीं रुक सकती हूँ? इसे मेरी शादी हो रही है यार। हाँ तो मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जा रही, अकेले जा रही हूँ। और तुम शायद भूल रहे हो, वहाँ मेरा ऑफिस है और फिर बुआ भी है। बुआ को मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। रिदा मेरा टिकट करा के पीएनआर भी भेज रही है। तुम एयरपोर्ट छोड़ दोगे ना मुझे? भाड़ में गई तुम्हारी जॉब और भाड़ में गया तुम्हारा टिकट और पीएनआर। तुम कहीं नहीं जा रही हो। फारिस, मेरे घर से वैसे कोई नहीं आया, तुम भी चली जाओगी। और रही बात बुआ की, बुलवा रहा हूं उन्हें। फारिस, बुआ इतनी दूर अकेले नहीं आ सकती। लिसन, पैदल नहीं आना, उन्होंने प्लेन में आना है। इनफैक्ट मैं तुम्हें यही बोलने आया था, बुआ को कॉल करके खुशखबरी सुनाओ और उनको यहाँ बुलाओ। तुम छोड़ो, मैं खुद ही कॉल कर लेता हूँ उन्हें। आपको याद है आपने गलती से एक प्लॉट मेरे नाम कर दिया था? हाँ, गलती से किया था। आज तुम उसकी याद कैसे आ गई? नहीं, सोच रहा हूँ उसको भेज दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जानते हो प्लॉट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। आज से 10 साल बाद उसकी क्या कीमत होगी तुम्हें अंदाजा है? डैड, मेरे पास एक बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान है। अच्छा, क्या? फिल्म बनाते हैं। घोरे नहीं, पहले प्लान तो सुनो। ठीक है, प्लॉट बेच के एक फिल्म आराम से प्रोड्यूस हो जाएगी, प्रॉफिट आपका, और बोनस में हीरोइन के डैड का कैरेक्टर भी आप ही प्ले कर लीजिएगा, कैसा?
दादा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, वो हमारा एक प्लॉट था ना साइड के एरिया में, जो मैंने जीरो के नाम कर दिया था। हाँ, उसके नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने भाई, मैं रूमी के नाम कर रहा हूँ। हाँ जल्दी बनवा लेना, ठीक है, ओके। तुम्हें मैंने हजार बार कहा है कि मजाक मत किया करो। हाँ मैं तो सीरियस था, कसम खुदा की। वो सलीमा बाजी का फोन आया था, सबको बहुत पूछ रही थी। उन्होंने फारिस और हीर का रिश्ता तय कर दिया है, अगले हफ्ते शादी है, सबको बुलाया है उन्होंने। क्या सब कुछ जानते हुए भी? खबर मुझे उम्मीद है तुमने उन्हें बता दिया होगा कि हम में से कोई नहीं आ सकता। आजा पुत्र, आजा आजा। अरे पुत्र, तुझे याद है 2 साल पहले जब तू मेरी गाड़ी से टकराया था? और मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि तू बच जाए, पर तू फिर भी टकरा गया। चाई साहब, गाड़ी तो बेजुबान जानवर है, उसका क्या कसूर? टक्कर तो आपने मारी थी और मेरी टांग भी टूट गई थी। अच्छा जी, तो वो भूल गया कि मैंने तेरा इलाज भी कराया था, तुझे नौकरी दी, बच्चों की तरह तुझे पाला मैंने। है? याद है चौधरी साहब, पर आप इस वक्त मुझे वो सब क्यों याद दिला रहे हैं? इसलिए कि अब उन सब बातों का बदला चुकाने का वक्त आ गया। मैं समझा नहीं चौधरी साहब। मैंने कोई साहब का सवाल कर दिया कि तू समझा नहीं? और एक हफ्ते बाद हीर की शादी है, और ये हवेली में इतने काम पड़े हैं, और मैं तेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो तू ऐसा कर, अपना सामान लेकर ना हवेली आ जा। मैं चौधरी साहब, मैं हवेली आ गया तो पीछे बाड़े में भैंसों का ख्याल कौन रखेगा? चौधरी साहब वो ना मेरे बगैर बहुत उदास हो जाती है। ऐडा तू रांझा भैंसों का, कोई नहीं उदास होती, उधर और लोग भी हैं, ख्याल कर लेंगे। और तेरी ज्यादा जरूरत यहाँ है, चल जा। और हाँ एक बात का ख्याल रखी, हीर तेरी बहनों जैसी है। बस चोई साहब, मैं समझ गया आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं रात को अपना सामान लेके हवेली आ जाऊंगा। शाबाश शाबाश पुत्र, सामान लेकर आ जा, मैं हवेली में तेरे लिए कमरा साफ करा देता हूँ। है जी चौधरी साहब। जा शाबाश, निकल 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 जी। करमू किधर मर गया? देख अभी शादी हुई नहीं तेरी, मेरी वैल्यू बढ़ गई तेरी, अम्मा ने इस तरह कभी किसी को पहले नजर नहीं उतारी। आंख मारी इसने मुझे? अरे मैंने कहा भाला, मैंने तो अब Thank you.
नहीं आ रही थी। नींद क्यों आएगी? सारे दिन मैंने किया ही क्या? कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सो गई, मगर अब नींद भी नहीं आ रही। I'm sorry, मेरी वजह से बोर हो रही हो तुम। मैंने शिकायत तो नहीं की, फिर सॉरी क्यों बोल रहा? चलो एटलीस्ट तुम मुझे बर्दाश्त करना शुरू हो गई हो। आई मीन तुम पहले बात बाद में करती थी, शिकायत पहले करती थी। जब किसी को फर्क ही ना पड़े तो ठीक होना पड़ता है। खैर तुम बताओ क्या पूछने और क्या कहने आए हो? तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं कुछ पूछने या बताने आया हूँ? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम बताओ, सुन रही हूँ। क्या बताऊँ यार, कुछ अजीब लग रहा है मुझे। पता है जब मैं वहां से यहाँ आ रहा था तो मुझे लग रहा था मैं तुम्ही को नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन यहाँ आके हीर से मिल के, उसकी बातें सुन के, उसके साथ वक्त गुजार के मुझे रूमी याद ही नहीं आई। तो इसमें अजीब क्या है? अरे यार समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ ठीक हो भी रहा या नहीं। तुम्हारा दिल क्या कहता है? मैं अपने दिल से ज्यादा तुम्हारी सुनता हूँ। अगर तुम मुझे एक बार कह दोगी ना कि सब कुछ ठीक है, ये सुकून हो जाएगा। सब कुछ ठीक है भाई, तुम खुश हो, तुम्हारी अम्मी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, और सबसे बढ़कर ये बहुत अच्छा है ना। बस अब मुझे सुकून हो गया है। थैंक यू यार, गुड नाइट। Yeah, good night, good night. So, bye. ओ मेरी जिंदड़ी होई उदास है, मेरा थावल लास न पास है। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल लास न पास वे। हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। अब उस पुराने वाले रांझे और तुझ में एक बात तो फर्क है, और वो ये कि तुझे तेरी हीर के प्यो ने आपे ही खुद हवेली में रहने को बुलाया है। हाँ लेकिन गल ए भी है कि तू अपनी हीर की शादी में कुर्सियां लगाएगा। हौसला कर रांझे, हौसला। ओ ये तेरी मोहब्बत का एग्जामिनेशन है। ओ कदिया मिल सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल। तुम इतनी रात में? हाँ क्यों, क्या मैं कोई मॉर्निंग शो हूँ जो रात को नहीं आ सकता? बहुत रात हो रही, तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है भाई। और तेरी नींद की तो वैसी की तैसी, पानी की बाल्टी फेंक कर नींद उड़ाऊं मैं तुम्हारी? अच्छा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें बचपन से शुरू करती है ना? ओए होए 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 होए, चौई साहब ने कमरा तो अच्छा दिया था पर गर्मी बहुत थी, उधर सांस ही नहीं आ रही थी। पर दिल कहता है कि हीर के कोल रहना है। हाँ ये दरख्त तो बड़ा अच्छा है, हवा भी बहुत है,
हाँ ये जगह ठीक है। ओए तू देख के नहीं चलती, अन्नी है क्या? अन्ना तो तू है। ओए जानती है मैं कौन हूँ? और चौधरी साहब का खास बंदा हूँ मैं, रांझा, तमीज से बात कर। खास तो मैं भी हूँ चौधरायन की, शन्नो। जो भी होगी शन्नो वन्नो, चल जा यहाँ से, मुझे आराम करना है, निकल नौकरानी कहीं की। तू बड़ा चौधरी है, मुझसे बनाकर रख वरना रोटी टुकड़ नहीं मिलेगी हवेली में। ओए लानत भेजता हूँ मैं तेरे रोटी टुकड़ पे, चल यहाँ से निकल, सोना है मुझे। वैसे सोना तो तू है, मुस्कुराया कर। शुक्र है ऐसे तो जान छुट्टी। चल वही रांझे, नींद तो मुझे बहुत आ रही है। अब हीर के घर में हीर के दरख्त के नीचे सोएंगे और सपने देखेंगे हीर के। मच्छर बहुत हैं इधर। बचपन से शुरू करती हूँ है ना? है? पता है मेरे दोस्त थी गुलाबो, वो ना बहुत तंग करती थी मुझे, हम दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड थे। अचानक से वो बड़ी उसको किसी से प्यार हो गया, उधर तो हो ये टांगे तो उधर करो, उधर करो ना। हाँ अचानक ना उसको किसी से प्यार हो गया, जब उसको प्यार हुआ तो वो मुझे भूल गई, मुझे वो इतनी याद आ गई। सुबह ही सुबह काम पे लग गया तुम, थोड़ा आराम भी कर लिया करो रांझे। तुझसे कहा है ना अपने काम से काम रखा कर। लगता है रात वाली गल भूल गया है तू, बोला था ना सोनी शकल है तेरी, मुस्कुराया कर। तू जाती है चौधरी साहब से तेरी शिकायत लगाऊं, फिर लग पता जाएगा तुझे। जा रही हूँ, चौधरायन ने भेजा है, एक चावल की बोरी अंदर ले आ और सुन मुस्कुराया कर। एक और मुसीबत गले पड़ गई है। चल भाई रांझे हीर का तो पता नहीं, चल बोरी चुक लेंगे। मुझे लगता है कि वो मुझे इस ड्रेस में देखना चाह रही थी, इसलिए छोड़ के गई थी ये कपड़े। ठीक है मैंने भी ठान ली थी कि पहन के दिखाऊंगा, देखो धोती भी बांध ली मैंने। बड़ी फिक्र हो रही है उसकी ख्वाहिशों की। हाँ यार शादी कर रहा हूँ उससे, उसकी ख्वाहिशात की फिक्र मुझे नहीं होगी तो और किसी होगी। हाय जरा जोर से दबा, जान नहीं हाथों में, रोटी नहीं खाती है। चौधरायन जी, चौधरायन जी। जी बोलो। चौधरायन जी वो चावल की बोरी ना मैंने किचन में रख दी है, तो कोई और काम हो तो बता दें। चल शाबाश। चौधरी साहब मुझे बता रहे थे कि शादी के सारे इंतजाम तू संभाल रहा है।
बड़ी अच्छी बात है। अब देखा मेहमानों को किसी किस्म की कोई तंगी ना हो, ख्याल रखना। जी चौधराइन। नाश्ता किया तूने? सुनो चल फौरन इसके लिए नाश्ता बना और इसके सारे खाने पीने का ख्याल तूने रख। आप फिक्र ही ना करो चौधराइन जी, मैं बड़ा ख्याल रखूंगी इसका। चौधराइन जी मुझे लगता है कोई मुझे आवाज दे रहा है, तो आपको कोई काम हो तो बता दीजिएगा। ठीक है। चौधराइन जी एक गल करनी थोड़े नाल। हाँ बोल। वो जी तुसी मेरा व्याह करा दो रांझे नाल। रांझे से? हाँ लड़का तो बहुत अच्छा है, आगे पीछे भी कोई नहीं है। ठीक है तो बात करती तेरे चौधरी साहब से, लेकिन दबा तो ठीक से। दूसरा हाथ भी लगा। ओबा और आंचे, हाय तू क्या कर रहा है यहाँ पर? समझ गई मैं, भरोसा नहीं रहा ना मुझ पे, इसलिए मेरी जासूसी करता फिर रहा है तू, है ना? तो कोई जासूसी नहीं कर रहा मैं तेरी, तेरे अब्बा के कहने पे आया हूँ इधर। अब्बा के कहने पे? क्यों? क्यों? ताकि मैं तेरी शादी के सारे काम करूं और तुझे डोली में बिठाकर रुखसत भी करूं। हंस और हंस, बड़ा मजा आ रहा है ना तुझे, हंस। तू और तेरी माँ किसी से कम नहीं है, उसने भेजा है मुझे यहाँ पे, जा जाके फारिस को उठा और नाश्ते पे लेके आ। ये तो एंड ही हो गई ना तेरे साथ, तो फिक्र ना करना, मैं हूँ ना तेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ तू जा, फारिस को मैं खुद उठाऊंगी, सही? जा ना, जा। No! वाह तू तो गाना भी गाता है, चल अच्छा है, रोजाना लोरी देके सुलाना और गाना गा के जगाना। तुम हाँ मैं तो बस वैसे ही। हाय मैं तो मर जावा, मुंडा तो शर्मा ही गया। चल नाश्ता तैयार है, अम्मा बुला रही है। ठीक है तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, और प्लीज जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। हाँ ओके। ये क्या है? कुछ नहीं, वो धोती। ओ ससुरालियों को इंप्रेस किया, गुड गुड करो। अरे मैं किसी को इंप्रेस नहीं कर रहा, वो हीर हीर मेरे कपड़े उठा के ले गई है और पहनने के लिए सिर्फ ये छोड़ा है। तो और कोई कपड़े नहीं तुम्हारे पास? कोई नहीं है, उसने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया है, वो सूट किस से उठा के ले गई। आई नो, ठीक है मुझे लगता है कि वो मुझे इस ड्रेस में देखना चाह रही थी, इसकी छोड़ के गई थी ये कपड़े। ठीक है मैंने भी ढाल ली थी कि पहन के दिखाऊंगा, देखो धोती भी बांध ली मैंने। बड़ी फिक्र हो रही है उसकी ख्वाहिशों की। हाँ यार शादी कर रहा हूँ उससे, उसकी ख्वाहिशात की फिक्र मुझे नहीं होगी तो और किससे होगी। वैसे आपस की बात है, मैं लग कैसा रहा हूँ? आपस की बात, तुम इस ड्रेस में ना बिल्कुल कार्टून लग रहे हो। खुद लग रही होगी कार्टून, रोड रनर। ठीक है तो फिर प्लान बी पर अमल करते हैं। प्लान बी?
कैसा प्लान बी? देखो यार, पारिस और उमी की शादी पे मैंने कहा मुलाकातें होंगी, हम लोग बात करेंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, लेकिन वो शादी तो हो नहीं पाई। बल्ले भाई बल्ले, सुबह सुबह खुश कर दिया तूने, मुंडा देसी हो गया। आपको अच्छा लगा ये धोती कुर्ता मैंने आपको खुश करने के लिए पहना? झूठे अब्बा, मैंने ना इसके सारे अंग्रेजी कपड़े छुपा दिए थे और आपका धोती कुर्ता रख दिया था इसके रूम में, तभी पहना है इसने। नहीं एक्चुअली मैं भी खुद से। अब कोई बात नहीं पुत्र, उसने पहन लिया इसी पे मुझे बड़ी खुशी है। ओए आजा पुत्र नाश्ता करते हैं, आजा आजा शाबाश, आजा शाबाश जल्दी आजा, आजा बेटा आजा बेटा, आजा पुत्र आजा, तू भी आजा, आजा शाबाश इधर आजा। ये बेटा नाश्ता डाल के दो। अरे बेटा जरी और बाकी लोग भी आ जाते तो मुझे कितनी खुशी होती। अरे काला मैं आ गया हूँ ना, काफी नहीं है, और माँ भी जरूर आ जाती लेकिन फिर वो डैड के पास कौन रुकता, और डैड का तो आपको पता ही है। हाँ जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि जरी फारिस और हीर की शादी ना होने की वजह से मुझसे बहुत नाराज है। अरे शादियाँ तो होती नाराज होने के लिए और मनाने के लिए, आप माँ की फिक्र ना करें, वो वैसे भी ज्यादा अरसा किसी से नाराज नहीं रह सकती। आप ये बताएं कि शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? हाँ बस शुरू है तैयारियां, अब तुम आ गए हो ना तो तुम भी हाथ बटाना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाथ बटाऊंगा, मैं अपने हाथों से काम करूंगा हीर की शादी के लिए। वैसे भी मैंने सुना है कि किसी और की शादी में काम करने से सबकी शादी जल्दी हो जाती है। लेकिन जीरो बेटा तुम्हें तो शादी करनी नहीं थी ना? हाँ सोचा तो मैंने भी यही था खाला, लेकिन फिर एक हसीन सी लड़की मेरी आंखों के सामने से गुजरी और झटके में मेरा दिल ले गया, इश्क हो गया आपके भांजे को। अच्छा तो फिर बात की, रिश्ता भेजा उनके घर? कहाँ खाला अभी कहाँ, तो लड़की खुद नहीं मानी है, कोशिश कर रहा हूँ मैं, दुआ करें आप। हाँ हाँ क्यों नहीं, अल्लाह तुम्हारे दिल की मुराद पूरी करे बेटा, आमीन तुम मानो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा बच्चा। यहाँ भी आ गया मेरा पीछा करते करते, फजूल बातें करेगा मुझसे। निशा यू जस्ट काम डाउन। क्या काम है? चिढ़ है मुझे उसकी शक्ल से, दिल कर रहा धक्के मार के बाहर निकाल दूं उसे। तुम शायद भूल रही हो कि उसकी खाला का घर है, सो जस्ट इग्नोर हिम। इनफैक्ट तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा मौका है, फारिस के पास जाओ और उसे बोलो कि तुम्हें जीरो से चिढ़ है, और जो कि वो यहाँ पर आ गया है अब तो तुम वापस जा रही हो। अच्छा अब फारिस जैसे मेरी बात मान लेगा, ठीक है अब तुम रहो उधर और बर्दाश्त करो। मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, अगर उसने कोई मुझसे उल्टी बात की ना तो मरेगा मेरे हाथ। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। तुम हेलो हेलो निशा, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे तुमसे हमदर्दी करने, फारिस और हीर की शादी में दिल तो टूटा होगा ना तुम्हारा। जीरो अरे यार मुझसे क्यों छुपा रही हो? देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और मैंने भी कहा था ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है तो फिर प्लान बी पर अमल करते हैं। प्लान बी? कैसा प्लान बी? देखो यार फारिस और उमी की शादी पे मैंने कहा मुलाकातें होंगी, हम लोग बात करेंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, लेकिन वो शादी तो हो नहीं पाई। अब हीर भी तो मेरी बहन है, तो मैंने सोचा है कि जब तक हीर की शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें मना लूं, मिलते रहें। मरेगा मेरे हाथों, मरेगा।
तो बड़े साहब ने घूर के मेरी तरफ देखा और कहा कि अपने माँ बाप को हमारे घर भेजो। बस इस तरह हमारी शादी हुई और फिर जब तक तुम्हारे नाना जिंदा रहे यही पूछते रहे कि बेटा हज पे कब जाओगे। वैसे मुझे लगता है मुझे भी हज पे चले जाना चाहिए। निशा, क्या हो गया है? मुंह पर वारा क्यों बज रहे हैं तुम्हारे? मेरे सर पे ना खून सवार है, मैं कत्ल कर दूंगी उसका। कत्ल? किसका? उस जीरो का। क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या, वही फजूल बातें कर रहा है मुझसे। तो पहले दिन से मुझे इरिटेट कर रहा है। पहले से इसलिए चुप थी मैं क्योंकि तुम्हारी रूमी से शादी हो रही है और वो रूमी का भाई है, लेकिन मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी उसको। काम डाउन, काम, रिलैक्स। सुनो, बड़ा सिंपल सा हाल है इसका। उसको जाके साफ बता दो तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, पीछे हट जाएगा बेचारा। अच्छा प्लीज अभी अपना मुंह ठीक करो, शादी का घर है, कोई और देखेगा क्या सोचेगा वो। कितने सेल्फिश हो तुम, तुम्हें अपनी शादी की पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है, गलती मेरी है, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। तुम तो दूल्हे मियां, तुम तो चाहोगे हर कोई खुश खुश रहे, चाहे कोई खुश हो या ना। अच्छा लिसन, मैं बात कर लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझ पर एहसान करने की। तुम अपनी शादी पे ध्यान दो और धोतियां पहन के ना सबको खुश करते फिरो। मैं अपना मामला खुद हैंडल कर लूंगी। निशा, लिसन टू मी। जीरो, ओ निशा मेरी बात सुनो। हम पता क्या करेंगे, सुनो। जीरो से मैं बात करता हूं, जीरो से, कि तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है लूसी। बस मुझे पता चला मुंडा मुझसे शादी करने आया है, तो निकाली मैंने अपनी गड्डी और दौड़ाई उसकी गड्डी के पीछे और रोक दी। फारिस की हालत तो बाय गॉड देखने वाली थी। तुम सुधरोगी है ना? नहीं सर, मेरी छोड़, अपनी बता। कराची की सारी लड़कियों पे लाइन मार ली होगी तूने। हाँ तुम्हें ऐसा लगता हूँ? ओए देख किस फलसफे ना झाड़ा कर मेरे आगे, सीधी सीधी गल किया कर। एक बात बता, दिल विल नहीं क्या तेरे पास? चल ये समझ आता है कि कोई लड़की तुझ पे तो नहीं मरती होगी, मगर तू तो मरता होगा ना किसी पर, बता ना। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे प्यार में और तुम्हारी शादी की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ? वो फारिस की कदर है नशा, दिल आ गया मेरा। ना कर, उसको बताया तूने? कहाँ यार, की तो है पर मानी नहीं अभी तक, कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे कैसे नहीं मानी? हाँ चल बंदूक रखते उसके सर पे, उसके अच्छे भी हाँ कर देंगे। बंदूक उसके सर पे जिससे मैं प्यार करता हूँ? वाह, ओहो मार पड़ी रहे, डराएंगे यार। और हाँ क्या टेंशन है, हाँ बोल देगी तो सॉरी बोल देना प्यार में। ये ऊपर वाली मंजिल खाली है तुम्हारी? हाँ, तेरी तरह किताबों की लाइब्रेरी नहीं बनाई मैंने, ये जो है ना यहाँ से नहीं दिल से चलती है, दिल से। अच्छा बुरा सही गलत का सीन नहीं है मेरा, जो यहाँ आया वो यहाँ आया, समझे? Absolutely. Good. तो लेके आओ बंदूक। तुम रहना तो मैं संभाल लूंगा। चल ठीक है, मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। चले शाबाश शाबाश, जोर लगा। और इसीलिए कहता हूँ लस्सी पिया कर, और लस्सी पीने से ताकत मिलती है। चल अच्छा ऐसा कर, तू दोनों बाजू लगा ले। मुकाबला चल रहा है, शाबाश जोर लगाओ। अप्पा से हार गए ना तो नाक कट जाएगी मेरी। तो तू जितवा दे ना, अब तुझमें और इसमें क्या फर्क रह गया है? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो अब्बा। केले। अरे ज्यादा खुश ना हो, हीर ने तेरा साथ दिया है ना, तो इसलिए तू जीत गया। अब जिंदगी में इसी तरह हर मुकाबले में एक दूसरे का साथ देना। अरे वाह भाई वाह, बड़ी नसीहतें की जा रही हैं। अब बाजी जो कुछ आपसे सीखा है वो बच्चों को बता रहा हूँ मैं। हाँ खुद तो कुछ सीखा नहीं आपने, पर बच्चों कि तुम दोनों खेल कूद में लगे रहोगे? शादी में दिन कितने रह गए हैं, तो शॉपिंग नहीं करनी तुम लोगों ने?
चलो शाबाश उठो। अच्छा जी साहब, आप जरा मेरे साथ आए। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा अच्छा, चलो। आओ जी, चलो। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। अब जिंदगी भर ऐसी साथ होगी ना। हीर, अरे सुनो, क्या हो तुम भूख हड़ताल करो? माना तुम्हारा मूड खराब है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कमरे में घुस के बैठ जाओ। चलो, मैं और हीर शॉपिंग पे जा रहे हैं, रेडी हो जाओ 10 मिनट में। मैं नहीं जा रही। क्यों, साथ जाने में क्या मसला है? चलो अच्छा है, तुम्हारे दिमाग को ठंडी हवा लगेगी, थोड़ा ये गुस्सा कम हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हें बड़ा ख्याल है मेरे गुस्से का। जाओ तुम उस हीर के साथ टाइम स्पेंड करो, मुझे के बीच में घसीट रहे हो। अच्छा ठीक है, ना जाओ घर में रहो, जीरो भी नहीं जा रहा, दोनों मिलकर टाइम स्पेंड करना। क्या जी, इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे साथ चलो, कहीं वापस आने तक उसका सर ही ना फाड़ देना तुम। चलो और लिसन, 10 मिनट। 5 मिनट। जीरो बुला रही है। अल्लाह जी, एक दफा मैं अपने दोस्त के विवाह पे कराची गया और वहां मैंने तुम्हारी खाला को पहली दफा देखा। लो जी, ये इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि मैं तो देखते ही बेहोश होने लगा। ना, ये थी से क्या मुराद है आपकी चौधरी साहब? नहीं नहीं, आप तो अभी कयामत डाती हैं। अच्छा खालू, फिर क्या हुआ? अब बस पुत्र जी, मैं तो वहीं कराची में रुक गया, रोज तैयार श्यार होकर इनके घर के बाहर खड़ा हो जाता था कि अब आए कि अब आए, पर निकलता हमेशा इनका अब्बा जान ही था, यानी तुम्हारे नाना। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। हाँ पुत्र, वही वही आग का दरिया, पर एक बात है, तुम्हारे नाना बड़े गुस्से वाले थे। चौधरी साहब, खबरदार जो आपने मेरे मरहूम अब्बा जी को कुछ कहा तो। नहीं नहीं, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा खालू, फिर क्या हुआ, आपने नाना से बात की? ला, और मैंने अपनी हड्डियां तुड़वानी थी बात करके। उन्हें फसाया जरूर मैंने। अब्बा, लोग कुड़ी फसाते, आपने उनके अब्बा को फसाया? अरे पुत्र जी, हमारे जमाने में कुड़ी के अब्बा को फसाना पड़ता था, और क्योंकि उसने ही हाँ करनी होती थी। फिर तो मुझे आपके वक्त में पैदा होना चाहिए था चौधरी साहब। और क्यों भाई, क्या मतलब है तेरा? कुछ नहीं, आप अपनी कहानी सुनाए। हाँ खालू बताइए ना, नाना को कैसे राजी किया आपने? अब बस पुत्र जी, शुरू शुरू में तो मैं रोज उन्हें सलाम किया करता था, और फिर बाद में मैं रोज बराबर उनके खड़े होकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी, और शाम को जब वो सौदा सल्फ लेकर आते तो मैं दौड़ कर उनके सारे थैले पकड़ लेता और घर तक छोड़ने जाता कि शायद वो मुझे कहें कि बेटा चाय शाय पी के जाना, और शाबाश है उन पे भी, हमेशा कहते जीते रहो। अब्बा बहुत ड्रैग हो गया, अब सीधी सीधी कहानी बताओ ना, एंडिंग क्या थी? अब बस बेटा, एक दिन फिर मैंने हिम्मत की, नमाज के बाद सलाम फेरते ही मैंने कहा, बड़े साहब मैं आपकी बेटी के साथ हज पे जाना चाहता हूँ। हज पर क्यों? अब बेटा, हज महरम के साथ किया जाता है, और ये मेरी बीवी बनती तो महरम होती ना। ओ, बस बड़े साहब ने घूर के मेरी तरफ देखा और कहा कि अपने माँ बाप को हमारे घर भेजो, बस इस तरह हमारी शादी हुई।
और फिर जब तक तुम्हारे नाना जिंदा रहे यही पूछते रहे कि बेटा हज पे कब जाओगे। वैसे मुझे लगता है मुझे भी हज पे चले जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मेरे और रूमी के दरमियान जो कुछ हुआ उसमें कसूर मेरा था क्या? कसूर किसी का नहीं होता मेरे दोस्त, कसूर हालात का होता। मेरे लिए ना तुम गलत हो ना रूमी गलत। तुम कब से इतना सोचने लगी? तुम तो सब कुछ बिना सोचे समझे करने की आदी हो। अच्छा लिसन, तुम इस तरह खामोश नहीं रहो और ये सोचने वाला काम तुम्हारा नहीं है, ठीक है? तुम जैसी हो बस वैसे ही रहो।